हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट वन वीडियो है चैप्टर का। पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, यह अनुप्रयोग का तात्पर्य हमारे प्रयोग से है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में हम लोग अवकलज के उपयोग द्वारा कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं का हल करने वाले हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि अवकलज के कुछ एप्लीकेशन हैं जिसके हेल्प से हम लोग कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं को इस चैप्टर में हल करने वाले हैं। जैसे आप क्लास इलेवेंथ में जब थे, क्लास इलेवेंथ में आपको आपके फिजिक्स के टीचर ने बताया होगा कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, इसे इस तरह से पढ़ा होगा, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए भैया उसे वेग कहते हैं। ठीक है, और वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम लोग त्वरण कहते हैं। तो देख रहे हैं ना, हम लोग फिजिक्स में भी इसके एप्लीकेशन का प्रयोग कर लिए हैं, अवकलज के एप्लीकेशन का प्रयोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी हमें क्या पढ़ना है। हम लोग क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स के अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर में किन किन प्रकार की समस्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, चलिए उन टॉपिक्स को पहले जान लेते हैं कि अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा हम लोग किस प्रकार की समस्याओं को इस चैप्टर में हल करेंगे। पहला टॉपिक है आपका, मैं टॉपिक पहले आपको बता देता हूं, राशियों में परिवर्तन की दर यानी अंग्रेजी में कहेंगे rate of change in quantity। दूसरा टॉपिक है हमारा वर्धमान और ह्रासमान फलन, अंग्रेजी में कहेंगे increasing and decreasing function। ठीक है, increasing and decreasing function। ठीक है, चलिए अगला तीसरा टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखाएं कर देते हैं और अभिलंब यानी अंग्रेजी में कहेंगे इसे tangents and normal। ठीक है, चौथा टॉपिक है आपका सन्निकटन, अंग्रेजी में कहेंगे approximation। ठीक है, अगला है लास्ट टॉपिक उच्चतम और निम्नतम, अंग्रेजी में कहेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये आपके पांच टॉपिक है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब थोड़े सी डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, राशियों में परिवर्तन की दर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि ds/dt, डेट मीन्स इसे हम लोग पढ़ते थे, ये एक आपकी s एक राशि है, विस्थापन है, और विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर आपका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। उसी तरह फिर मैंने बताया था कि वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर आपका त्वरण कहलाता है। तो हम लोग इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों में परिवर्तन के दर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर में। दूसरा टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान फलन यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में देख लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं, आपको समझा देता हूं, बाद में हम लोग टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करेंगे। आपको बस ओरली बता रहा हूं कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ और फंक्शन का आलेख यहाँ पे दर्शा देता हूँ, और फंक्शन का आलेख मान लीजिए यह है। हम इस आलेख में क्या देख रहे हैं कि x का मान बढ़ने से
वाई का भी मान बढ़ रहा है, एक्स का मान इंक्रीज करने से वाई का भी मान इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका वर्धमान फलन कहलाएगा, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अच्छा दूसरा देखिए, यहाँ पे मैं दूसरा लिख ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और यह वाई डैश है। मैं इस तरह से यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ देखिए एक्स का मान बढ़ने से वाई का मान घट रहा है, देख रहे हैं इस आलेख में, एक्स का मान बढ़ने से वाई का मान घटते जा रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है, ह्रासमान फलन है, ठीक है, ये आपका ह्रासमान फलन है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी कि इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग आगे चल के ये जानेंगे कि कौन सा फलन वर्धमान होगा और कौन सा फलन ह्रासमान होगा, इन सब के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरे चैप्टर में स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए यह कोई फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स, जिसका आप ये वक्र देख रहे हैं। अब इस वक्र के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है, इसका समीकरण क्या होगा, या इसका ढाल क्या होगा, या इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया यह अभिलंब, इस पे जो लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब कहते हैं, इस अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब का ढाल क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सन्निकटन में यानी अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या पढ़ना है, जैसे मैं यहाँ कह दूं कि 0.0000 मैं लिख देता हूं यहां पर 9, ठीक है, और इसका पावर में यहां लिख देता हूं 1/3। अब कहोगे कि सर इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग ऐसे ही बहुत सारे ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सारे हमें फंक्शन मिलेंगे जिसका हमें सन्निकटन मान निकालना होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इस तरह के ही हम लोग वैल्यूज निकालना सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे आप सिंपल रहता रूट अंडर 25, तो इसको तो लिख देते 5, ठीक है, लेकिन इसका लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूं 0.00 या फिर 0.009 और यहाँ पे दे देता हूँ 0 का पावर, यहाँ पे दे देता हूँ 1/4 मान लो, ऐसे देते हैं, तो इसका सन्निकटन मान क्या होगा। तो इस तरह से हमें बहुत सारे ऐसे वैल्यू निकालने होंगे इस चैप्टर में, हम लोग सीखेंगे सन्निकटन में। उच्चतम और न्यूनतम, मैक्सिमा एंड मिनिमम हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और आलेख ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक आलेख लेता हूँ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ जिसका आलेख इस तरह से है, यह वाई बराबर एफ एक्स का आलेख है। हम देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका सबसे कम वैल्यू यहाँ पर हो रहा है, एक्स के इस मान पर इसका सबसे निम्नतम मान यहाँ हो रहा है। तो कैसे किसी फंक्शन का किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, इन सभी चीजों के बारे में। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो देख सकते हो यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मैं यहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि x के इस वैल्यू पे इस फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है। तो वह पॉइंट क्या होगा जिस पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो जा रहा है, या वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा क्या, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है राशियों में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। तो पहले टॉपिक को देखते हैं, बाद में एक एक करके सबको डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं, राशियों के परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। हम लोग इसमें किसी भी प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों के परिवर्तन के दर के बारे में देखेंगे। इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझने होंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला खेल तो सबने खेला होगा, पानी में पत्थर जरूर मारे होंगे। मान लीजिए तालाब में हमने एक पत्थर मारा, तो इस प्रकार की आपको आकृति देखने को मिलती होगी, ऐसे गोल गोल बनती हुई आकृति देखने को मिलती होगी। यानी हम लोग ये आकृति कैसे देखते हैं, जैसे पत्थर मारोगे एक छोटा सा वृत्त बनेगा, अल्प समय बाद मतलब सेकंड ऑफ सेकंड में फिर एक अलग सा वृत्त बनेगा, फिर एक और अलग सा वृत्त, देखते देखते वो वृत्त की आकृति बढ़ती जाएगी। तो जब आप पत्थर को मारते हो किसी तालाब में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, अगर जिस जगह पे पत्थर मारे उसको हम लोग केंद्र मान लें, तो वहां पे देखेंगे कि एक छोटी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनेगा, फिर अल्प समय में ही एक उससे थोड़ा सा बड़ा त्रिज्या वाला वृत्त बनेगा, फिर थोड़े समय बाद
उससे बड़े त्रिज्या वाला वृत्त बनेगा, उससे बड़े त्रिज्या वाला वृत्त बनेगा, उससे बड़े त्रिज्या वाला वृत्त बनेगा। इस तरह से कई प्रकार के वृत्त बनते जाएंगे, हम लोग यही ना देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से इसके त्रिज्या में बदलाव आता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल में भी बदलाव आता जाएगा। जाहिर सी बात है वृत्त का आकार बढ़ेगा। वृत्त का आकार कब बढ़ेगा? जब त्रिज्या में परिवर्तन होगा, जब त्रिज्या में परिवर्तन होगा। तो यहां कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, जाहिर सी बात है इसका जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब है कि इसका त्रिज्या भी बढ़ते जा रहा है। देख लो वृत्त का आकार बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा, इसका मतलब कि उसका त्रिज्या भी बढ़ रहा होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप देखोगे इसमें दो कंडीशन है, एक तो त्रिज्या के रेस्पेक्ट में भी इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा, और दूसरा चीज जैसे जैसे समय बीतेगा, पत्थर जो मारे हैं उसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा उस समय के रेस्पेक्ट में भी उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आ सकता है, समय के रेस्पेक्ट में उसके त्रिज्या में परिवर्तन आ सकता है। तो इन सभी चीजों को निकालना सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। मान लीजिए हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, यह आपका एक बैलून है, बैलून में मैं हवा भर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मैं हवा भरूंगा ये बैलून बड़ा होते जाएगा, यानी कहने का मतलब कि इसके आयतन में परिवर्तन आ सकता है समय के रेस्पेक्ट में, या इसके आयतन में परिवर्तन आ सकता है इसके त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे जैसे इसमें हवा भरूंगा इसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, इसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी और इसका आकार बड़ा होते जाएगा, इसकी सतह का भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, सतह के भी क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आ सकता है समय के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं समय के रेस्पेक्ट में वाले से, मतलब कि एक राशि में परिवर्तन होगा किसी दूसरे राशि के रेस्पेक्ट में, वही आपकी कहलाएगी राशियों के परिवर्तन की दर। और इन्हीं सबसे रिलेटेड ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के घटनाओं में जो परिवर्तन होता है उसी चीजों को हम लोग कैलकुलेट करना इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, मान लेते हैं, माना वाई बराबर एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, यह आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मैं कहूं इसे डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसके बाद यहाँ डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि वाई में परिवर्तन की दर y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, समझ गया ना, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसे नहीं कहेंगे। अगर मैं dv बटा में dt लिखता हूं, v जहां आपका आयतन है, तो कह सकता हूं कि आयतन v में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो देखो इस चैप्टर में बता दूं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आप सारे क्वेश्चन इसमें बनाते जाओगे। अगर मैं यहाँ dA by dt लिखता हूं तो A फॉर एरिया के लिए यूज करेंगे, यानी क्षेत्रफल के लिए यूज करेंगे, तो क्षेत्रफल में समय के रेस्पेक्ट में यानी A में t के रेस्पेक्ट में परिवर्तन की दर क्या होगी वो यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के राशियों के परिवर्तन के दर के बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको दो चीजें मेन है, पहला तो है भैया क्षेत्रमिति आपको अच्छे से आना चाहिए, मेंसुरेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। आप जाकर क्लास 9th या 10th का मेंसुरेशन पढ़ लोगे, क्षेत्रमिति पढ़ लोगे। मैंने घन घनाभ आयतन बेलन गोले वगैरह पढ़ा रखा है ना जी, बेलन घन घनाभ गोला ये सब पढ़ा रखा है, उसको जाके आप पढ़ लोगे। एक्चुअल में उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जितना भी मेंसुरेशन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, चाहे वह वर्ग का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, है ना, वृत्त की परिधि हो, शंकु का आयतन हो, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना होगा अवकलज, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के फलों का अवकलज ज्ञात करना आना चाहिए। तो मैंने अवकलज को तो बहुत ही बेहतर तरीके से क्लास 11th में भी आपको पढ़ाया है, क्लास 12th में भी आप पढ़ चुके हो,
तो जिनको दिक्कत होगी वह अवकलज चैप्टर जाकर पढ़ लेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ेंगे, डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसके लिए आप क्लास 11 का भी अवकलज पढ़ सकते हो, 12th का भी पढ़ सकते हो। मैंने दोनों क्लासेस में आपको पढ़ा दिया है, 11th 12th दोनों में आपको बता रखा है, बहुत ही बेहतर तरीके से बता रखा है। तो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए, राशियों के परिवर्तन की दर ये वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से जानने के लिए आपको क्षेत्रमिति आना चाहिए, मेंसुरेशन अच्छे से आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन अवकलज भी आपको अच्छे से आना चाहिए, यानी डेरिवेटिव भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो दोनों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जिनको याद नहीं होंगे इनके फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, और जब तक इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको आने वाले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में आपको राशियों के परिवर्तन के दर के बारे में कुछ समझ में नहीं आने वाला। ऐसे तो आपको समझ में आ गया कि राशियों के परिवर्तन की दर है क्या, ये आपको क्लियर हो गया, लेकिन जब तक आप मेंसुरेशन का और डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप याद नहीं करोगे आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सारे फॉर्मूले आप याद कर लोगे अच्छे से तभी जाकर ये टॉपिक आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, हमारे तीन चैनल है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से आप जाकर सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।